आप कैसे जानते हैं कि आप अपना जीवन जी रहे हैं? कहीं आप सिर्फ एक नवजात दिमाग तो नहीं जो ऐसी नकली यादों से भरा है जो असल में कभी घटी ही नहीं? सुनने में ये थोड़ा बेतुका लग रहा होगा, लेकिन ये विचार कई कॉस्मोलॉजिस्ट्स की नींद उड़ाता रहा है। इसे कहते हैं बोल्ट्जमान ब्रेन पैराडॉक्स। लुडविग बोल्ट्जमान एक 19वीं सदी के फिजिसिस्ट थे। ये वो दौर था जब वैज्ञानिक एक गंभीर बहस में उलझे थे कि यूनिवर्स फाइनाइट समय में मौजूद है या इनफाइनाइट समय यानी अनंत काल से। बोल्ट्जमान का सबसे बड़ा योगदान था थर्मोडायनामिक्स में, फिजिक्स की वो शाखा जो एनर्जी का अध्ययन करती है। उन्होंने एनट्रोपी की एक नई व्याख्या सामने रखी। एनट्रोपी यानी किसी भी सिस्टम की अव्यवस्था या डिसऑर्डर। एक ग्लास एक ऑर्डर्ड सिस्टम है, जबकि चकनाचूर कांच एक डिसऑर्डर सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स का सिद्धांत कहता है कि एक बंद सिस्टम में डिसऑर्डर या अव्यवस्था बढ़ती है, जैसे टूटा हुआ कांच अपनी असली अवस्था में कभी नहीं आता। बोल्ट्जमान ने इसी विचार में स्टैटिस्टिकल रीजनिंग को जोड़ा। उनके मुताबिक अव्यवस्था या डिसऑर्डर इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसी की संभावना ज्यादा होती है, जबकि उसका उल्टा होने की संभावना होती तो है पर ना के बराबर। जैसे हम कभी भी ऑमलेट को दोबारा अंडा बनते नहीं देखेंगे, पर अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट या अनंत काल से मौजूद है तो बेहद कम संभावनाओं वाली घटनाएं भी होंगी और कॉम्प्लेक्स चीजें भी बनेंगी जिनमें अस्थिर पार्टिकल्स अस्त व्यस्त तरीके से एक साथ मिल जाएंगे। अब चलिए अनंत काल पुराने यूनिवर्स के दो विकल्प देखें। इस पहले वाले यूनिवर्स में 8 ऑक्टिलियन एटम्स हैं, जिनके अस्त व्यस्त या रैंडम तरीके से एक साथ आने पर इंसान जैसा एक सोचने वाला प्राणी बना जो तुरंत भस्म हो गया। और इस दूसरे यूनिवर्स में उन्हीं अस्थिर पार्टिकल्स से बनता है एक दिमाग। इसमें एक पूरे जीवन की नकली मेमोरीज हैं, शुरू से लेकर इस पल तक की। ये मेमोरी भी कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी भस्म हो जाता है। और इसी तरह रैंडमली सभी पार्टिकल्स एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाते हैं और तब एक नया यूनिवर्स तुरंत बन जाता है। इन दोनों में से कौन से विकल्प की संभावना ज्यादा है? दिमाग चाहे कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, पूरे यूनिवर्स की तुलना में वो कुछ भी नहीं। अस्थिर और अस्त व्यस्त पार्टिकल्स के साथ आने से इस तरह के ढेर सारे दिमाग बन सकते हैं, तो इस लिहाज से इसकी संभावना ज्यादा है कि जितनी भी चीजें वास्तविक लग रही हैं, वो थोड़े समय का भ्रम है जो जल्दी टूट जाएगा। बोल्ट्जमान अपने इस विचार को ज्यादा आगे तक नहीं ले जा सके। बोल्ट्जमान ब्रेन का कॉन्सेप्ट उनके काम को आगे बढ़ाने वाले बाद के कॉस्मोलॉजिस्ट्स की सोच है, लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन था कि वो खुद पल भर में गायब होने वाला दिमाग नहीं है। तो पैराडॉक्स या दुविधा ये है कि वैज्ञानिक सही और यूनिवर्स अनंत काल पुराना कैसे हो सकता है। इसके समाधान को आज हमने स्वीकार कर लिया है कि हमारा यूनिवर्स अनंत काल पुराना नहीं है, बल्कि टाइम और स्पेस की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। तो क्या वो पैराडॉक्स सुलझ गया? शायद नहीं। पिछली सदी में वैज्ञानिकों की इस थ्योरी के कई सबूत मिले हैं कि बिग बैंग हुआ था, पर ये जानने के बाद कि बिग बैंग हुआ था, ये कोई नहीं जानता कि उसके पहले क्या था और वो कैसे बना। यूनिवर्स की शुरुआत इतने व्यवस्थित तरीके से कैसे हुई जबकि व्यवस्था की संभावना बेहद कम है? क्या हमारा यूनिवर्स बार बार बनता और मिटता रहता है, या फिर क्या हम किसी ऐसे यूनिवर्स में हैं जो एक्सपेंड हो रहा है मल्टीवर्स में? इस विचार से बोल्ट्जमान पैराडॉक्स में आधुनिक कॉस्मोलॉजिस्ट्स की नई रुचि जगी है। तर्क ये है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति की अलग अलग थ्योरीज के बावजूद इंसान के दिमाग के बजाय बोल्ट्जमान ब्रेन के अस्तित्व की ही ज्यादा संभावनाएं हैं। यानी कुछ तो गड़बड़ है। कुछ का मानना है कि हमारे थ्योरीज में छोटे मोटे बदलाव करके इस समस्या को सुलझाया जा सकता है, या शायद बोल्ट्जमान ब्रेन्स पैदा हो ही नहीं सकते। कुछ ने ये मापने की कोशिश की कि सिर्फ एक विचार सोचने भर के समय के लिए रैंडम पार्टिकल्स से एक दिमाग के अस्तित्व में आने की कितनी संभावना है, और जो विशालकाय नंबर सामने आया वो ये था, यानी 1/ ऐसा नंबर जो यूनिवर्स के सभी तारों से सेप्टिलियन गुना ज्यादा बड़ा है। बोल्ट्जमान ब्रेन पैराडॉक्स भले ही अजीब है, लेकिन इसने एक स्तर तय किया है जिस पर नई थ्योरीज को खरे उतरना होगा।
अगर यूनिवर्स की मौजूदा स्थिति की तुलना इस संख्या से करें तो यूनिवर्स का अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। थ्योरी में कहीं तो कुछ गलत है, या फिर शायद आप ही गलत हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कुछ नया सीखने का मौका कभी ना गंवाएं।